बाड़मेर बीकानेर मेगा हाईवे पर दो ड्राइवर जिंदा जल गए। ऑयल टैंकर व ट्रक के बीच टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। दोनों के ड्राइवर केबिन में ही फंस गए। घटना शनिवार दोपहर 1 बजे की है। बाड़मेर के सिंदरी के पायलाकला गांव में हुआ हादसा जिसमें दो ड्राइवर जिंदा जल गए। पुलिस ने दोनों के शवों को सिंदरी हॉस्पिटल में रखवाया गया है। आग लगने की वजह एक्स्ट्रा डीजल टैंक बताया जा रहा है। आग लगने के बाद आसपास के लोगों ने पानी के ट्रैक्टरों से आग पर काबू पाने की कोशिश की। हादसे के बाद दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गई। पुलिस के अनुसार टैंकर गुजरात के पानीपत रिफाइन ऑयल लेकर जा रहा था। सामने बालोतरा से ट्रक आइसर गुड़ा मालोने की तरफ जा रहा था। पायलाकला के पास दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के साथ धमाका हुआ और आग लग गई। कुछ मिनटों में दोनों गाड़ियों में आग फैल गई। टैंकर व ट्रक के ड्राइवर दोनों गाड़ियों के अंदर बुरी तरह से फंस गए। घायल को स्थानीय लोगों द्वारा सिंदरी हॉस्पिटल लेकर गए। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद हाई सेंटर रेफर कर दिया गया। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने का खूब प्रयास किया लेकिन आग बुझा नहीं पाई। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। बालोतरा से फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सिंदरी थाना अधिकारी के मुताबिक पायलाकला गांव के पास टैंकर व ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई। इसके बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। टैंकर व ट्रक में आग लगने से दोनों जिंदा जल गए। एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ है। ट्रक ड्राइवर ओम सिंह पुत्र भाकर सिंह कापरा सोटन बाड़मेर का निवासी, टैंकर ड्राइवर राकेश मीणा पुत्र गंगा सिंह निवासी सरणिया जहाजपुरा बीलवाड़ा दोनों की जिंदा जलने से मौत हो गई। वही देवी सिंह पुत्र स्वाई सिंह निवासी कुकमा गांव भुज गुजरात घायल हो गया। बताया जा रहा है कि हादसे के तुरंत बाद राजेश्वरी टर्मिनल गैस कंपनी को सूचना दे दी गई थी। फायर ब्रिगेड को कंपनी से 25 किलोमीटर घटना स्थल पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा समय लग गया। अगर फायर ब्रिगेड समय पर पहुंचती तो शायद नुकसान कम होता। वहीं इसी से पहले लोगों ने पानी के टैंकर से आग बुझाने की पूरी कोशिश की। पर्याप्त संसाधन की वजह से आग पर काबू नहीं पाया गया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक ओम सिंह की शादी 2 साल पहले हुई थी। वहीं 8 माह की एक छोटी बच्ची है। मृतक के परिजनों को सूचना मिलते ही घर में मातम सा गया। पिछले कुछ दिनों में पहले एक और ऐसा हादसा हुआ था जिसमें 2 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई थी। इस बार फिर हादसा हो गया। गाड़ियों में भिड़ंत के बाद आग लगने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गाड़ी चालकों से निवेदन रहेगा कि लापरवाही न बरतें, गाड़ी चलाते समय सावधान रहें।